जय श्री राम दोस्तों, आपके अपने चैनल राकेश सेठी फिटनेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसे कि हमारे जिम से जो है मसल ड्राइव जिम से जो है पावर लिफ्टर काफी निकलते रहते हैं, तो आज मैं अपने बच्चों के लिए जो है कुछ टिप्स लेके आया हूँ लोअर बैक के लिए, मजबूत के लिए। ठीक है बेटा, विशाल आ जाओ, बेटा आ जाओ गुंजन। अब जैसे कि हमारा विशाल जो है ये भी एक लड़का तगड़ा है, और अभी इसके जो कॉलेज में जो है कुछ कॉम्पिटिशन है डेडलिफ्ट का बेटा, तो डेडलिफ्ट की तैयारी कर रहा है, पावर लिफ्टिंग के जो है ना कॉलेज में कॉम्पिटिशन है। तो गुंजन अभी जो आज वर्कआउट करने के लिए नहीं आई थी, तो मैंने कहा इसको भी बताते हुए चले कि किस तरीके से। बेटा देखो ऐसा होता है, जिम तो चलो एक करना ही है, उसके अंदर आप लोग लोअर बैक को यूज कर रहे हो, और काफी एक्सरसाइज के अंदर जो है लोअर बैक यूज होती है, तो स्ट्रॉन्ग कैसे करते चले हम लोग, और दिनचर्या जो है जैसे कि घर के कामों में भी जो है अपनी लोअर बैक मजबूत होनी चाहिए। जैसे कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि स्टार्टिंग अपनी थोड़ी बेस को मजबूत लेके चलो, ठीक है। अब आज मैं बात करता हूँ गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज की। गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज कौन सी है वो भी बताऊंगा मैं, और हाइपर एक्सटेंशन, कई जिमों में जो है हाइपर एक्सटेंशन के लिए जो है एक मशीन नहीं होती, तो उसका ऑल्टरनेट बताता चलूंगा किस तरीके से लेके चले, ठीक है बेटा। तो पहले हाइपर एक्सटेंशन सुमित बेटा एक बार करके दिखाओ, आ जाओ भाई। जैसे कि मैंने बताया ना, ज्यादातर हमारी लोअर बैक जो है काफी एक्सरसाइज के अंदर यूज होती है। जिस दिन हमारा स्क्वाट वगैरह मारते हैं हैवी वेट में फेलियर तक जब हम जाते हैं, या ड्रॉप सेट वगैरह मारते हैं, तो लोअर बैक काफी भर जाती है, तो उसके बाद जो है अपनी हाइपर एक्सटेंशन को जरूर ऐड करा करो, ताकि एक नॉर्मली स्टिफनेस जो है वो कम हो जाए और लोअर बैक स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। पहली एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया कि कई जिमों के अंदर जो है हाइपर एक्सटेंशन की जो है मशीन नहीं होती, इसका ऑल्टरनेट बताता चलूंगा कि आप अपने जिम के अंदर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं हाइपर एक्सटेंशन को, ठीक है बेटा। बेटा एक बार मेरे को करके दिखाओ एक बार। वैसे जिसके पास अगर मशीन अवेलेबल है तो पोस्चर को इस तरीके से मेंटेन करते चलना, ठीक है बेटा। जिस दिन आपकी स्क्वाट हो तो उस दिन लास्ट में आप इसको ऐड कर सकते हो, 10 से 15 के बीच में रेपिटेशन रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहां लाके होल्ड करना है। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी आ रही है और लोअर बैक में स्टार्टिंग में पेन कम है, तो आप वेट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा ओवरवेट यूज नहीं करना अपने, ठीक है। सुमित आ जाओ बेटा, अब मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि कई जिमों के अंदर ये मशीन नहीं होती है, तो उसका ऑल्टरनेट हम किस तरीके से बनाएं, ठीक है बेटा। आ जाओ विशाल, आ जाओ बेटा। आप बेटा पीछे जाना, और इनके जो थाई है उस पर दबाव बना के रखना, ठीक है। लेट जाओ बेटा, आगे आ जाओ, और आगे बस। हाँ लेग ऊपर रख लो बेटा, लेग स्ट्रेट रखो ऊपर यहाँ पे। हाँ यहाँ बैठो भाई, देखो पोस्चर को जो है थोड़ा देखते हुए चलना किस तरीके से परफॉर्म करना है अपने, ठीक है। थोड़ा सा आगे आओ बेटा, ठीक है। जो हमारा लोअर स्टमक है वो इस तरीके से रखना अपने, ठीक है। मैं फिर भाई कह रहा हूँ, जिनके जिम में मशीनें ना हो हाइपर एक्सटेंशन मारने के लिए, तो इस तरीके से एक ऑल्टरनेट वेरिएशन डाल सकते हो। यहाँ पे रखो बेटा, चलो नीचे जाओ, ऊपर आके होल्ड करना, शाबाश। तो ये आप ऐड कर सकते हो, 10 से 12 रेपिटेशन लेके चल सकते हो, और 3 सेट कवर करने। जैसे कि मैंने बताया स्क्वाट वाले दिन तो खासतौर पर लास्ट में आप जरूर लेके चले। ये आपने एक ऑल्टरनेट तरीका रखना है, जिसके पास अगर मशीन ना हो जिम के अंदर, तो ये ऐड जरूर करें अपने इस तरीके से, अपने पार्टनर की एक हेल्प लेके, ठीक है बेटा। आ जाओ सुमित, कहां से आ रहा था बेटा इसका, लोअर बैक पे आ रहा था, तो सबसे बढ़िया है इस तरीके से भी आप परफॉर्म कर सकते हो। बेटा एक बार बारबल रोड लेके आओ, मैं गुड मॉर्निंग जो एक्सरसाइज के लिए हमने बात करी थी कि लोअर बैक के लिए, वो परफॉर्म करानी है। एक बार बारबल रोड ले आओ बेटा, या ये अपनी लाइन ट्राइसेप्स वाली ले आओ रोड, जी तक वाली ले लो बेटा, ये वाली लियो। हाँ देखो, वैसे तो स्टिक जो है अपनी बार जो है स्ट्रेट रखना, लेकिन अभी बिजी है बार, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा है, तो अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, ताकि वीडियो के चक्कर में, ठीक है बेटा। अब इसको यहां रखना है, ठीक है बेटा। बार को इस तरीके से रखते हुए आपने जब नीचे लेके जाओगे, तो ग्लूट्स को पीछे की तरफ रखना है और नी को हल्का बेंड करना है, ठीक है बेटा। ये गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज बोलते हैं हम इसको, और इस तरीके से। सुमित बेटा आप भी देखना, आपकी भी हेल्प करेगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग करी ना अभी। ये ऊपर लाके होल्ड, स्टार्टिंग में मैं ये कहूंगा कि 3 सेट लेके चले, और 10 से 12 रेपिटेशन रहेंगे, और स्टार्टिंग में जैसे कि आप लाइट वेट लेके चल रहे हो, बाद में आप बार में वेट भी यूज कर सकते हो, वेट बढ़ा सकते हो, ओवर वेट ना हो, जो रेपिटेशन स्टिप नहीं मतलब हार्ड नहीं निकले, ईगो लिफ्टिंग हो वो नहीं करना। एक बार करके दिखाओ बेटा सुमित, शोल्डर के हिसाब से रखो लेग, ठीक है। अब नीचे जाते टाइम ग्लूट्स को पीछे ले जाना, नी को बेंड करना, नी को बेंड करो, बेंड नहीं कर रहे बेटा, चलो जब आप नीचे जा रहे हो तो नी को बेंड करना है, चलो बेंड करो,
हाँ बस ऊपर आके होल्ड करना है, चलो ठीक है भाई। लोअर बैक की जो है छोड़ दो, बहुत औसम एक्सरसाइज है दोनों की दोनों। जैसे कि मैंने बताया कि लोअर बैक स्ट्रॉन्ग करनी बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं हर एक्सरसाइज में अधिकतर हमारी लोअर बैक यूज होती है और दिनचर्या में जो हम काम करते हैं उसके अंदर भी, है ना बेटा। तो जैसे कि बताया कि गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज के अंदर स्टार्टिंग में थोड़ा वेट कम रखें, धीरे धीरे आप लोड बढ़ाते चले, 10 से 12 रेपिटेशन रखने, 3 सेट लेके चलने। तो गाइज हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए और अपने जिम के बच्चों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो आज की वीडियो आप लोगों की कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू गाइज।